दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी नई राह क्रम मार्गी नई राह हो दादाई जय जय स्वस्वरूपम ज्योति अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी जय जय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वणकम जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण जय सच्चिदानंद दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह कार्यक्रम में। दोस्तों कई बार हमें लगता है कि हमारा पूरा जीवन प्रारब्ध से है या पुरुषार्थ से। हम जिंदगी में कई बार फेल हो जाते हैं और हमारे प्रारब्ध को कोसते रहते हैं। तो ये प्रारब्ध क्या है, क्या सचमुच जिसे हम नसीब कहते हैं वो ही प्रारब्ध है या पूर्व जन्म का कर्म? पुरुषार्थ हम किससे कहते हैं? क्या ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा पैसा या सक्सेस मिलता है? आइए इन सारे सवालों के जवाब सुनते हैं हमारे अगले सेगमेंट में हमारे आत्मज्ञानी से। क्या भाग्य जैसी कोई चीज है? यदि हाँ तो व्यक्ति के जीवन में जन्म से मृत्यु तक की स्थिति फिक्स रहती है या समय समय पर परिस्थिति परिवर्तित होती रहती है? सचमुच तो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक जीवन वो भाग्य ही है, प्रारब्ध भुगतना होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। पर हमें मालूम नहीं हमारे हाथ में ग्लास है वो गिर जाएगा आगे बचेगा, हमें मालूम नहीं। इसके लिए हमें प्रयत्न बचने का करना चाहिए। बाद में फूट गया तो हमें समझ में आ जाए प्रारब्ध में फूटने का हिसाब था। बच गया तो अहंकार नहीं करना चाहिए कि देखो मैंने बचाया, वहां भी समझना चाहिए कि फूटने का हिसाब नहीं था, बच गया। तो होता है प्रारब्ध अनुसार, मगर प्रारब्ध पॉजिटिव है या नेगेटिव हमें मालूम नहीं। इसके लिए हम पॉजिटिव प्रयत्न लास्ट मोमेंट तक करना चाहिए और जो भी हुआ उसको स्वीकार करना चाहिए कि नहीं हुआ सो करेक्ट, किसी का दोष नहीं, हमारा ही प्रारब्ध का हिसाब आया, किसी का दोष नहीं है। समझ में आया? और प्रारब्ध भुगतने के टाइम हम जो मान खाते हैं, गर्व रस खाते हैं, या मैंने किया, कितना अच्छा किया, नुकसान किया, तो हम दूसरे को दोषी देखते हैं, वही दूसरी लाइफ का कर्म बीज है। और आप दूसरे को दोषित मत देखो, खुद के दोष देखो, किसी को गुनहगार मत देखो, और हुआ सो करेक्ट स्वीकार हो गए तो नए कर्म बंधन चार्ज नहीं होंगे, क्योंकि हो रहा है जन्म से मृत्यु तक एक लाइफ का प्रारब्ध ही फल होता है। क्या इसकी पोजीशन क्या हमेशा फिक्स रहती है? फिक्स हमें मालूम नहीं, होने के बाद जितना हो गया हम समझते कि ये फिक्स था, पर होने के बाद बोला जाएगा, होने के पहले नहीं। होने के पहले हम पॉजिटिव प्रयत्न, जैसे हाईवे क्रॉस करना है तो आँख बंद करके क्रॉस नहीं, क्योंकि फिक्स है बचने वाला होगा तो बचेगा, मरने वाला ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हम व्यवहार से प्रयत्न करेंगे, चलो बस आ रही है, टैक्सी या कोई गाड़ियाँ है नहीं है, चलो आराम से क्रॉस कर लो। और क्रॉस करते करते धक्का लग गया तो बाद में व्यवस्थित हुआ सो करेक्ट। तो ये पहले से बोलना वो बरोबर नहीं है। अरे प्रयत्न पॉजिटिव लास्ट मोमेंट तक करो और बाद में जो कर हुआ उसको स्वीकार लो कि यही प्रारब्ध था हमारा। दोस्तों आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम सुन रहे हैं प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बारे में। तो ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है, हम दोनों तरफ से सुनते हैं। जैसे नसीब में होगा तो मिलेगा, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। दोस्तों प्रॉब्लम अराइजेस जब खूब मेहनत करने पर भी सक्सेस नहीं मिलती, और किसी को बिना मेहनत से भी बहुत कुछ मिल जाता है, इसको हम क्या कहें? चलिए सुनते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। कई बार ऐसा कहना होता है कि आप अपने कर्मों से अपना भाग्य बना सकते हैं या आप उसे चेंज कर सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? सचमुच नहीं है, सचमुच नहीं है। मगर ऐसी बात है कि हमें मालूम नहीं है कि हमारा सफलता है कि निष्फलता है, तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए कि नहीं चलो हमें ये प्रयत्न करके पूरा करना ही है, करना ही है। तो अपना निश्चय है तो निश्चय से हमें अनुभव होता है कि हमारे अंतराय भी टूटते हैं। जैसे कल बताया था हाईवे, अपने हम एयरपोर्ट जा रहे हैं तो ट्रैफिक आ गया तो हम वापस आ जाते हैं, चलो घर पे अभी नहीं जाना है, ट्रैफिक नटता है। ऐसे नहीं करना चाहिए, आप सिंसियर हो, गोल डिसाइड किया तो फॉलो करो। मैंने टाइम ये टाइम नहीं तो आधा घंटा लेट होएगा, वहां पहुंचोगे ट्रैफिक क्लियर होने के बाद। तो ये संजोग आपको डिस्टर्ब करते हैं, मगर आपका ध्येय है, आपका निश्चय है, आपकी सिंसियरिटी है, धीरे धीरे आप सफल होके ही रहोगे। तो उसको ये लोग बताते हैं कि देखो आपने निश्चय किया
तब आपका प्रारब्ध आपने बनाया है। सचमुच ये भी पार्ट ऑफ प्रारब्ध ही था। आप आज क्यों स्ट्रांग निश्चय रह सकते हो, रख सकते हो, तो पूर्व में निश्चय किया था, वो बीज डाला था, उसके लिए आज फल आया। और वो आदमी ट्रैफिक देके वापस चले गया घर पे, तो उसने ऐसा बीज डाला था, उसके लिए वो चले गया। और व्यवहार ऐसे बताता है कि आप निश्चय करो, शक्ति मांगो, स्ट्रांग रहो, सिंसियर रहो, तो आप सफल हो जाओगे। और एक ज्ञान के बाद एग्जिट समझ में आता है कि मैं खुद कौन हूँ, ये मोटवानी कहाँ जुदा कैसे है, और मोटवानी के पास कराना है प्रयत्न। मोटवानी आप पॉजिटिव प्रयत्न करो अच्छी तरह, तो फिर एग्जिट रहेगा ज्ञान। और अज्ञान दशा में एक बार मैं करता हूँ, एक बार संजोग करते हैं, कन्फ्यूज हो जाता है और बाद में डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सच्ची बात यह है कि मोटवानी अलग है, आप शुद्धात्मा अलग है, और मोटवानी को निश्चय कराना है व्यवहार का काम करने के लिए, और बाद में नहीं हुआ तो संजोग की कमी है, ऐसे समझ के वापस प्रयत्न करना चाहिए, धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जमाने में आपको नहीं लगता कि पुरुषार्थ की वैल्यू कम सी हो गई है? आज के जमाने में हम कर्म करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं या फल की इच्छा पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और मन चाहा फल न मिलने पर नसीब या प्रारब्ध को कोसते हैं? तो ये पुरुषार्थ और प्रारब्ध क्या है और हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा है, आइए सुनते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। जब कभी भाग्य अगर फिक्स है और भाग्य के अनुसार ही सब कुछ होता है, तो फिर कभी कभी ये डर क्यों लगता है कि ये चीज हमें नहीं मिलेगी? जब आप एक बार भरोसा है कि भाग्य के अनुसार ही पूरा जो है अपना जीवन चलेगा, तो फिर समय समय पर डर क्यों लगता है? ओके, भाग्य का ज्ञान पूरा नहीं है ना हमारे पास। हम किसको भाग्य बोलते हैं, कौन सा कार्य को भाग्य बोलते हैं, कौन सा पार्ट को पुरुषार्थ बोलते हैं, उसकी लाइन ऑफ डिमार्केशन हमारे पास पूरी नहीं है। हम अभी आप ही बताइए कि किसको आप भाग्य बोलते हो, किसको पुरुषार्थ बोलते हो? जो कर्म किया जाए वो पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ है और फल मिलता है वो भाग्य है। जो चीज आपको मिलती है वो भाग्य। हाँ, तो अभी एक आदमी 5 लाख रुपया दान दिया मंदिर के लिए, तो उसमें कौन सा भाग्य बोला जाएगा और कौन सा पुरुषार्थ बोला जाएगा? 5 लाख दान दिया, नहीं 5 लाख दान दिया तो उसमें क्रिया वो पुरुषार्थ है, भाग्य है कि इसने इच्छा की वो भाग्य है, कि इसने दिया वो पुरुषार्थ है कि भाग्य है, क्या बोलता हूँ आप? जो उसने दिया है वो क्रिया जो है वो पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ है। तो ये इसी को आप पुरुषार्थ मानोगे तो सच्चा पुरुषार्थ कभी शुरू नहीं हो पाएगा, कि वो भी प्रारब्ध का भाग्य है, पार्ट ऑफ प्रारब्ध है। पैसा उसको मंदिर वाले पैसा मांगने के लिए आए, वो भी पार्ट ऑफ प्रारब्ध है। उसके पास सरप्लस पैसे थे, वो भी पार्ट ऑफ प्रारब्ध है। उसने पैसे दिए, वो भी पार्ट ऑफ प्रारब्ध है। अभी पुरुषार्थ कहाँ है? वो बोलता है मेरे पास 20 लाख होता तो मैं 20 लाख देता था, वो पुरुषार्थ है। अथवा तो बोलेगा फोकट के 5 लाख लेके गए, इसे तो इनको तो एक भी पैसा देने नहीं चाहिए था, वो भाव वो पुरुषार्थ है। ये भाव लाने से तो अच्छा है कि वो देता ही नहीं। हाँ, मगर वो देना न देना वो ही प्रारब्ध है जी। हम मानते हैं कि हमारे हाथ में है, मगर प्रारब्ध आपके हाथ में नहीं है, संजोग के हाथ में है, और भाव अकेला ही पार्ट आपके हाथ में है। समझ में आता है? कोई भी क्रिया हो जाती है उसमें 3 पार्ट है, एक भाव है, एक अहंकार निश्चय करता है मुझे आज से शुरू करना है, और बाद में कार्य हो जाता है। तो ये 2 पार्ट है। बस मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा, मुझे फर्स्ट नंबर लाना है, तो ये नेक की करता है वो भी अहंकार है, और फर्स्ट नंबर आता है कि सेकंड नंबर आता है, मगर वो परिणाम वो दोनों पार्ट प्रारब्ध है। और बाद में फर्स्ट नंबर आ गया तो भीतर में बोलता है मैंने इतना मेहनत की, मैंने किया, वो अहंकार, वो उसका भाव, वो दूसरा लाइफ का पुरुषार्थ है। तो ये क्रिया जो हो रही है इसके पीछे जो इच्छा है वो सब प्रारब्ध का ही पार्ट है। बच्चों के ऊपर क्रोध करते हैं, डांटते हैं बच्चे को, तो ये भी प्रारब्ध का पार्ट है। और बाद में खुश होता है, देखो इनको डांटेंगे नहीं तो काम ही नहीं करते, सुधरते ही नहीं ये लोग, वो पुरुषार्थ है। या तो प्रायश्चित होता है, अरे रे मैंने गलत किया, बहुत दुख दिया बच्चों को, वो पार्ट पुरुषार्थ है। ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध ही इन 3 शब्द है। एक बीज डालते हैं, कर्म बीज, कर्म फल और कर्म फल परिणाम। हम 2 चीज देखते हैं, कर्मफल और कर्मफल परिणाम। जैसे वो पैसे 5 लाख दिया मंदिर के लिए, तो दिया वो बोलते हैं कर्म किया, बाद में मंदिर में उसका नाम आया,
उसको प्रतिष्ठा में आगे बिठाया, पूजा में आगे लिया, उसका फल आया। ये दोनों पार्ट कर्म फल है और कर्म फल परिणाम है, दोनों प्रारब्ध के बोला जाता है। और बीज पूर्व वो में डाला गया। इस लाइफ में एक बच्चे के ऊपर क्रोध होता है, वो भी कर्म फल है। बाद में वाइफ है, सब लोग बोलेंगे बहुत गर्म स्वभाव के, बदबोई करेंगे हमारे नाम के लिए, हमारे पीछे हमारा नेगेटिव बोलेंगे, वो कर्म फल परिणाम आया। भीतर में आपको होता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, वो आपका पुरुषार्थ नेक्स्ट लाइफ का बीज है। तो ये जो आप बोलते हैं डर सा क्यों रहता है, क्योंकि हमें सच्चा प्रारब्ध और पुरुषार्थ का भेद रेखा मालूम नहीं है। सच्ची भेद रेखा ज्ञान के बाद ही आपको एग्जैक्ट जागृति मिलती है, और बाद में भविष्य का डर भी छूट जाता है। समझ में आया? मतलब इस जन्म में हम जो भी जीवन जी रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जो हमें मिल रहा है या हमारे यहाँ से जो जा रहा है, वो पिछले जन्म का परिणाम है। एग्जैक्ट है। और इस जन्म में हम जो करेंगे वो नए जन्म के लिए करेंगे। करेंगे कहाँ, क्रिया में नहीं, भाव में। क्रिया में जो आप बोलते हैं मैंने एस्टेब्लिश किया बिजनेस और अभी चालू हो गया है, तो मैं 3 साल से मेहनत कर रहा था, इतने इतने सबको मिला, मैंने इतने लोन लिया, वो सब प्रारब्ध का पार्ट है। हम उसी को ही पुरुषार्थ मानते हैं, वही रॉन्ग बिलीफ है। और बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं हुआ उसको प्रारब्ध बोलेंगे, और एस्टेब्लिश हुआ उसको बोलेगा प्रारब्ध। मगर मैंने पुरुषार्थ किया, वो पुरुषार्थ नहीं, वो प्रयत्न और फल दोनों प्रारब्ध के पार्ट है, और भाव वहां पुरुषार्थ। इसके लिए यहाँ दादाजी सिखाते कि भावना इतनी करो, हमारे मन से, वाणी से, वर्तन से किसी को दुख नहीं देना, तो बीज आपका पुरुषार्थ है। और व्यवहार जो हो रहा है सब पूर्व भव का फल है। वाणी, विचार, वर्तन से किसी को दुख हो गया, वो पूर्व भव का फल है। भीतर से जागृति रखो, प्रतिक्रमण करो, किसी को दुख नहीं देना, हो गया उसके लिए बहुत पश्चाताप करो, वो पुरुषार्थ सुधारना वो मनुष्य का हाथ में है, और प्रारब्ध भुगतना वो संजोग के ताबे में। दोस्तों आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम सुन रहे हैं प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बारे में। चलिए सुनते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। पुरुषार्थ और पराक्रम, ये दोनों में क्या फर्क है? पुरुषार्थ यानी क्या है, गलती हो गई, हम बाद में पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हैं, तो पुरुषार्थ बोला जाएगा। और पराक्रम, गलतियों के टाइम इतना स्ट्रांग रहेंगे, गलतियों हमें टच भी ना हो जाए, हमारे से गलती में स्लिप ना हो जाए, वो स्ट्रांग निश्चय, वो पराक्रम भाव है हमारा। पराक्रम यानी स्ट्रांगनेस। और गलती हो गई, हम माफी मांगते रहते नहीं होना चाहिए, तो गलती होते देना वो प्रमाद है, और ये पुरुषार्थ है नहीं होने देने का, निश्चय माफी मांगते, और उससे भी आगे स्ट्रांग पना में आ गया तो पराक्रम भाव। समझ में आया? और जो बहुत मीठे दोष है विषय विकार के, लोभ लालच के, ऐसे वहां हम तुरंत स्लिप हो जाते हैं, तो वो गलतियों में स्ट्रांगनेस ज्यादा रखनी पड़ती है। पराक्रम भाव से जो अटकण हो जाती है, विषय विकार कहां भी नजर गिरी और विकारी भाव हो जाते हैं, तो इतनी स्पीडी विकारी भाव हो जाते हैं, तो हमारा स्ट्रांगपना भी बहुत ज्यादा रहना चाहिए। पराक्रम भाव, कितने भी नजर किधर भी गिरे हम शुद्ध दृष्टि से ही देखेंगे, हमें निर्विकारी भाव में ही रहना है, इस स्ट्रांगपना में आए पराक्रम भाव। समझ में आया? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों अपने प्यारे आत्मज्ञानी ने हमें एक्सलेंट टिप्स दी प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बारे में। तो चलिए हम पुरुषार्थ करें और अपने प्रारब्ध को एक्सेप्ट करें। ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं हमारे हर रोज के कार्यक्रम में। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 एक्सटेंशन 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके विचार या सुझाव आप लिख भेज सकते हैं और dadaonradio@us.dadabhagwan.org पर। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी रेडियो स्टेशन पर। तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट।